हेलो फ्रेंड्स, राइडर सूरज ब्लॉग्स पे आपका स्वागत है। तो आज हम इसका जो रियर सस्पेंशन है इसकी बात करेंगे। तो जो भी लोग नए गाड़ी ले रहे हैं इस पे 125, उनका जो सस्पेंशन है बैक वो बहुत हार्ड है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनको सोल्यूशन मिले। तो अभी मैंने जो SP लिया था 4 साल हो गए लेके, तो इसका भी सस्पेंशन बहुत हार्ड था शॉकअप पीछे के। तो मैंने क्या किया दोस्तों, पहले पल्सर के डाला था 125 के, तो वो अच्छे से नहीं चल रहा था, वो भी हार्ड हो चुका था। तो उसके बाद मैंने जो है ये जो शॉकअप है ये यामाहा YBR के 125 यामाहा 125 उसके, और ये जो है यूज्ड शॉकअप है, ओल्ड बाइक का शॉकअप है, तो इसमें बराबर फिटिंग हो गया है इसका, और उसका हाइट सेम है, तो इसलिए मैंने चेंज किया है। तो अभी बहुत सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, उसका सेटिंग भी बहुत एक पे है, सॉफ्ट हो चुका है सेटिंग पूरा। तो देख लीजिए आप भी किसी ओल्ड बाइक का जो सिमिलर हो इससे मैच करता हो सस्पेंशन, तो आप भी किसी ओल्ड यूज्ड बाइक का सस्पेंशन लीजिए और रिपेयर की दुकान पर आपको मिल जाएगा, आप लगा लेना। रिपेयर की दुकान पे जाके आप उसको बोलो कि ओल्ड वाला यूज्ड सस्पेंशन जो है वो दे दो, वो आपको अच्छा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, और मुझे भी बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ये अच्छा खासा ये शॉकअप है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाथ से भी दबा रहा हूँ तो ये दब रहा है। चलिए फ्रेंड्स, बाकी जो भी लोग नए हैं चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कुछ डाउट हो तो। और ये इंजन कार्ड जो है मैंने X-Blade BS4 का लगाया है, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था, तो अभी ये शोरूम में अवेलेबल नहीं है, आप Apache का लगा लीजिए अच्छा रहेगा, मेरे चैनल पे वीडियो है आप जाके देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना।